क्रीमिया को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख दी। यूक्रेनी हमले का विध्वंसक जवाब देगा रशिया। रूस ने क्रीमिया में कर ली है एडवांस सैन्य तैयारी। यूक्रेन पर भारी पड़ सकता है क्रीमिया पर किसी भी तरीके का हमला। जेलेंस्की ने सबसे पहले क्रीमिया प्लान का खुलासा करते हुए ऐलान किया था कि यूक्रेन बहुत जल्द क्रीमिया पर हमला करेगा। जेलेंस्की ने इस बयान के समर्थन में अमेरिका भी उतरा और उस प्लान के साथ देने का ऐलान किया। अब पुतिन क्रीमिया को लेकर अपना प्लान लेकर आ गए हैं। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेनी हमले का विध्वंसक जवाब देगा, क्योंकि रूस ने इसके लिए एडवांस सैन्य तैयारी शुरू कर दी जो यूक्रेन को बहुत महंगी पड़ेगी। क्रीमिया में खुदेगी यूक्रेन की कब्र। यूक्रेनी हमले की आशंका में रूस की तैयारियां सामने आ चुकी हैं। क्रीमिया में जबरदस्त किलेबंदी रूस कर रहा है, गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सैन्य मोर्चाबंदी जारी है। रूस की तैयारियों का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ, जहां पूरे क्रीमिया को सैन्य किले में तब्दील रूस कर रहा है। क्रीमिया पर हमला उल्टे यूक्रेन की तबाही ला सकता है। क्रीमिया में मौजूद सैन्य बेस पर भी तैनाती बढ़ाई गई है। यानी जेलेंस्की अमेरिका की शह पर सिर्फ क्रीमिया पर प्लान बनाते रह गए और रूस ने क्रीमिया बचाने के लिए अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया और क्रीमिया की किलेबंदी कर दी। और पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। रिपोर्ट लीक करने के पीछे किसी अमेरिकी का हाथ रूस समर्थित हो सकता है, संदिग्ध पेंटागन के अधिकारी ने किया खुलासा। रूस के खिलाफ पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक पर अमेरिका ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। इस लीक के तह को तलाश रहे अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया कि लीक के लिए कोई बाहरी नहीं बल्कि एक अमेरिकन जिम्मेदार है। पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि पिछले शुक्रवार को जो रिपोर्ट ऑनलाइन लीक की गई उसमें एक अमेरिकी संदिग्ध का हाथ लग रहा है और इस खुलासे में किसी सहयोगी का हाथ नहीं है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में यूक्रेन जंग से जुड़ी रिपोर्ट के साथ साथ चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का जिक्र है। पेंटागन के सीनियर अधिकारी मिखाइल मुलरॉय ने बताया कि इस डॉक्यूमेंट में यूक्रेन के एयर डिफेंस से लेकर इजराइल के स्पाई एजेंसी मोसाद तक का जिक्र है। इस लीक की जांच पश्चिम के कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं और उन्हें पक्का यकीन है कि इसमें किसी अमेरिकी का हाथ है। इस जांच में अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके पीछे रूसी समर्थित लोगों का हाथ हो सकता है। पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक को अब तक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच माना जा रहा है। और इस खबर के सामने आने के बाद, यानी पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक की खबर पर, अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। इंटेलिजेंस लीक को लेकर यूरोपीय देश भी हैरान है। अमेरिकी एजेंसियों के लिए लीक दस्तावेज दरअसल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। डैमेज कंट्रोल के लिए अमेरिकी एजेंसियों का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेंटागन फाइल लीक के वैश्विक असर पर हो रहा है मंथन। पेंटागन से नाटो का रूस के खिलाफ वॉर प्लान लीक होने के बाद से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। पेंटागन से यूक्रेन वॉर प्लान लीक को लेकर यूरोपीय देश भी हैरान है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के दस्तावेज लीक होने के बाद पश्चिमी देशों के बड़ी चुनौती बन सकती है। नाटो डॉक्यूमेंट लीक से 5 सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। यूक्रेन में फ्रेंच सैनिकों की मौजूदगी, खतरे में है यूक्रेन का एयर डिफेंस, रूस का तुर्की से हथियार लेने का प्लान, अमेरिकी एजेंसियों की इसराइल पर नजर, साउथ कोरिया में यूएस इंटेलिजेंस की जासूसी। लीक डॉक्यूमेंट को लेकर अमेरिकी एजेंसियां डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं। पेंटागन फाइल लीक के वैश्विक असर पर मंथन कर रही है। बाइडेन प्रशासन ने डॉक्यूमेंट लीक के जांच के आदेश दे दिए हैं। डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद फ्रांस की सफाई भी आई है, क्योंकि लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक यूक्रेन में फ्रेंच सैनिक मौजूद हैं और रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नाटो के इस डॉक्यूमेंट में रूस के साथ साथ साउथ कोरिया और तुर्की के हथियारों को भी स्ट्रेटजी बनाई थी।